एपीजे अब्दुल कलाम जिंदगी की लड़ाई हार गए थे, एनडीए में सेलेक्ट नहीं हुए, केवल देहरादून तक जाने के पैसे थे। शाम के समय जब पैसे नहीं थे तो सोचा कलाम साहब ने कि बहन के गहने गिरवी रख के आया था, सोचा था पायलट बन जाऊंगा, वापस जाने के पैसे नहीं है, ऐसे जीवन का क्या फायदा, आत्महत्या कर लेता हूं। संध्या करके, आरती करके, माता गंगा को प्रणाम करने के लिए स्वामी शिवानंद जी निकले। उन्होंने देखा एक लड़का टहलकदम कर रहा है और बिल्कुल कोने पे आके रुकता है। पुराना अनुभव, ज्ञानी आदमी, तपस्वी संत पहचान गए। बोले बेटा एक सेकंड रुक, यहां क्या हुआ बेटा, यहां से कैसे घूम रहा है, गिर जाएगा, नीचे गंगा है। आंख में आंसू आ गए। स्वामी जी ने कंधे पे हाथ रखा, बेटा क्या बात हो गई, कहां से आए हो? महाराज केरल से आया हूं, जाने के पैसे नहीं है, आत्महत्या करना चाहता था। स्वामी जी ने कहा उदास मत हो, जाने का किराया मैं दे देता हूं, जा दोबारा मेहनत कर, तैयारी कर, कुछ और कर। सुबह जब जाने लगे तो प्रणाम करते हुए स्वामी जी से बोले कि आप तो ज्ञानी हैं, आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, एक सवाल पूछ लूं? शिवानंद जी ने कहा हाँ बता बेटा। कलाम साहब ने कहा कि आप तो सब कुछ देख रहे हो, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, भगवान ने मुझे इतना खराब क्यों समझा कि मुझे एक नौकरी नहीं दी? शिवानंद जी ने कहा नहीं नहीं, तू असफल नहीं हुआ है, भगवान ने तुझे नौकरी इसलिए नहीं दी क्योंकि भगवान ने तुझे इससे भी बड़े किसी काम के लिए सुरक्षित रखा है।